नवंबर की शुरुआत से लेकर अगस्त मंथ 2020 तक के इवेंट्स हम लोग कवर कर रहे हैं सेक्शन वाइज। सेक्शनल करंट अफेयर में आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस करंट अफेयर या फिर रक्षा संबंधी समसामयिकी। रक्षा संबंधी समसामयिकी में यहाँ पर सारी मिलिट्री एक्सरसाइज डिस्कस कर लेंगे इस टाइम पीरियड में। इसरो से संबंधित जो डेवलपमेंट से या फिर स्पेस से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हैं उनको भी कवर कर लेंगे इस पूरे वीडियो में। और सवाल जो है आपके UBPCS पेपर्स में देखे गए हैं, APO में भी आया था, RO मेंस 2017 में भी आया था और UBPCS प्रीलिम्स 2019 में, ACF मेंस GS पेपर में और आपका BO पेपर में भी आया था प्रीलिम्स में। अभी सब बताया जाएगा आपको। और 2021 का जो लोग पेड बैच ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस को कॉल कर सकते हैं उनके दो गिवन ऑफिशियल नंबर्स पर, और हमको ट्विटर और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करिए अदर अपडेट्स के लिए। डिफेंस करंट अफेयर यहाँ पर डिस्कस करना चालू करेंगे। नवंबर से खाली वही न्यूज़ डिस्कस करी जाएगी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी न्यूज़ को मैंने पहले ही यहाँ पर हटा दिया है। दो लंबी दूरी की मिसाइल यहाँ पर टेस्ट फायर की गई थी, एंटी टैंक मिसाइल स्पाइक, ठीक है, एंटी टैंक जो स्पाइक मिसाइल्स जो है मऊ नाम की जगह पर मध्य प्रदेश में टेस्ट फायर की गई थी। जितना पुराना करंट अफेयर होगा उतना ही कम इंपॉर्टेंट होगा और जितना नया होगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उस हिसाब से हमने यहाँ पर इसको सेग्रीगेट किया है। यहाँ पर माइनेक्स नाम से एक माइन काउंटर मेजर एक्सरसाइज हुई थी, किसके साथ हमने किया था, जापान के साथ। कहाँ पर किया था, कोची में, केरल में, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अदर एक्सरसाइज जो हम लोग करते हैं जापान के साथ वो सहयोग काजिन करते हैं, ठीक है, हम लोग धर्म गार्जिन एक्सरसाइज कर चुके हैं जापान के साथ, ये नई है, माइनेक्स है। इंडिया जो है नेवल ड्रिल करने वाला था मिलान, ये आगे करेगा और जैसे जैसे हुआ था वो हम देखेंगे। उसके बाद कार्टोसैट 3 और 13 US नैनो सेटेलाइट जो है श्रीहरिकोटा से छोड़े गए थे। लॉन्च व्हीकल का नाम पूछ लेते हैं, कहाँ किससे छोड़े गए थे, तो व्हीकल है XL PSLV XL रॉकेट से जो है ये कार्टोसैट 3 छोड़ा गया और नैनो सेटेलाइट्स 13 US के। न्यूज़ आ रही थी कि 1 बिलियन की लागत वाले MK-45 नेवल गन्स जो है ये मंजूर कर दिए थे US ने, US सप्लाई करेगा भारत को, न्यूज़ आई थी। ACF मेंस GS पेपर 1 में शायद पूछा भी गया था कि MK-45 नौसैनिक तोप हम जो है किससे खरीदने वाले हैं, उस देश का नाम बताना था, तो वो है US, ठीक है, अभी भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। फर्स्ट एवर काउंटर टेररिज्म CT एक्सरसाइज जो है ये न्यू दिल्ली में किया गया था। ये हमने किसके साथ किया था, ये हमने क्वाड देशों के साथ किया था। क्वाड में कौन कौन से आते हैं, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये क्वाड हैं, चार देशों का ये इनफॉर्मल ग्रुप है और ये होस्ट किया था NIA ने। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में हमने देखा था, ये एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, इंडियन नेवल अकेडमी को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड मिला था। इंडियन नेवल अकेडमी जो एजीमाला नाम की जगह पर कोची में केरल में, उसको प्रेसिडेंट कलर्स का पुरस्कार मिला था। उसके बाद GRSE जो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हैं, इन्होंने ICGS अमृत कौर को इंडियन कोस्ट गार्ड को सौंप दिया था, ठीक है, ICGS अमृत कौर। अमृत कौर जो है फास्ट पेट्रोल वीजल्स की सीरीज में 5वां जहाज है, बस इतना आपको याद रखना है। और ये जो है आप स्किप कर दीजिएगा, ये लिख दिया है, ये भी मैं हटा दूंगा पेड रूप में देने से पहले। ये हमको स्पेसिफिकेशंस नहीं याद रखते हैं किसी जहाज के, नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद इंडो कतरी या फिर इंडो कतर जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ज़ायर अल बहर हुई थी। ज़ायर अल बहर जो है हमने कतर के साथ पहला युद्ध अभ्यास किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हमने कतर के साथ कोई ऐसा युद्ध अभ्यास नहीं किया था, लेकिन हमने नेवल एक्सरसाइज ज़ायर अल बहर की थी, ठीक है, कतर के साथ। सिंधु सुदर्शन नाम से एक सैन्य अभ्यास हमारे देश के सैनिकों ने डोमेस्टिक किया था, कहाँ पर किया था, बाड़मेर में। उसके बाद फर्स्ट नाइट ट्रायल हुआ था अग्नि सेकंड मिसाइल का, मतलब अग्नि द्वितीय का ये जो है पहला रात्रि परीक्षण हुआ था। कहाँ से हुआ था, ओडिशा के तट से, चांदीपुर रेंज से होता है ज़्यादातर, श्रीहरिकोटा से होता है, श्रीहरिकोटा खैर आंध्र प्रदेश में है, इसको कन्फ्यूज मत करिएगा, चांदीपुर रेंज जो है ओडिशा में है। तो ये चांदीपुर से हुआ था, अब्दुल कलाम आइलैंड से, ठीक है, अग्नि 2, अग्नि 5 तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन रात्रि परीक्षण जो है अग्नि 2 का ये पहली बार हुआ था, ये याद रखिएगा। वैसे तो हम परीक्षण जो है अग्नि 5 तक का कर चुके हैं, अगर आपको बताओ तो। एक्सरसाइज में इंडिया US की ट्राई सर्विसेज यानी कि तीनों सेवाओं की एक्सरसाइज हुई थी, आर्मी नेवी डिफेंस की, मतलब आर्मी नेवी और एयर की, ये ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज काकीनाडा और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसका नाम है टाइगर ट्रम्फ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद लेफ्टिनेंट जो ये हैं कर्बी गोगोई, ये असिस्टेंट नेवल अटैच के रूप में मॉस्को में नियुक्त हुई थी। ये जो है ये हमसे अपॉइंटमेंट में छूट गया था ये न्यूज़, तो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। अटैच का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मतलब डिप्लोमेट कह सकते हैं आप, तो असिस्टेंट नेवल डिप्लोमेट के रूप में मॉस्को में तैनात की गई थी लेफ्टिनेंट कर्बी गोगोई। लेकिन क्या ये पहली महिला अटैच हैं जो ये गई थी यहाँ से, नहीं, पहली महिला अटैच नहीं है, पहली महिला अटैच जो है अंजलि सिंह हैं। उसके बाद है
इंडियन नेवी ने और इंडोनेशियन नेवी ने बायलिटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज की थी, जिसको समुद्र शक्ति कहा जाता है, ठीक है, समुद्र शक्ति। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने एनी बेसेंट नाम का जो जहाज है ICG के सौंप दिया था, एनी बेसेंट इंडियन कोस्ट गार्ड को, उनका ये सबसे तेज जलपोत है, इसका नाम एनी बेसेंट के नाम पर रखा गया है, ठीक है। तो ये जो है सेकंड है, जो 5 इस तरीके की तेज गति वाली शिप्स हैं उनमें सेकंड है एनी बेसेंट। उसके बाद है कि US और बांग्लादेश का ये सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास हुआ था, इसका नाम क्या है, इसका नाम है कॉपरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग, जिसको जो हम लोग शॉर्ट में कैरेट बोल सकते हैं, कैरेट या फिर कैरेट। ये चटोग्राम में हुआ था वहाँ पर बांग्लादेश में। DRDO का नया इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर खुला है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये पुणे महाराष्ट्र में खुला है, ठीक है। श्रीपद यशो नाइक ने इसका इनॉग्रेशन किया था, बस सिंपल आपको याद रखना है। ये इग्नाइटर कॉम्प्लेक्स जो है उच्च ऊर्जा वाली सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के लिए खुला था। उसके बाद है कि इंडिया उज्बेकिस्तान ने पहला अपना जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया था, जिसका नाम है दस्तलिक, ठीक है। इंडिया उज्बेकिस्तान का पहला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज क्या है, दस्तलिक। हम लोग देख लेते हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर। कोस्ट गार्ड ने, यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने स्वच्छ समुद्र नाम से एक अभ्यास किया था, ये गल्फ ऑफ कक्ष में किया था, वाडिनार के पास, ठीक है। उसके बाद भारत ने सतह से हवा में मार करने वाली, यानी कि सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसको हम लोग कह सकते हैं क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर फायर मिसाइल, इसका परीक्षण कहाँ किया था, चांदीपुर से। इसका कोई नाम नहीं है, ठीक है, इसका कोई ऐसा नाम नहीं है, इसका नाम ही है क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। 2021 तक सेना में शामिल होगी, ठीक है। उसके बाद है कि अपग्रेडेड वर्जन जो है पिनाका रॉकेट का, वो हमने टेस्ट फायर किया था। ये अपग्रेडेड वर्जन जो है हमने कहाँ से किया था, ओडिशा के तट पर, ठीक है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल जो है, जो रशिया के साथ मिलकर के हमने बनाई है, ये चांदीपुर में इसका टेस्ट फायर हुआ था, ये याद रख सकते हैं। उसके बाद सूर्य किरण का जो 14th एडिशन है, ये हुआ था नेपाल के सलकजंडी में। सूर्य किरण के बारे में अगर आप जानते हैं तो ये दो साल, मतलब दो बार होता है, एक साल में दो बार होता है, एक बार इंडिया में होता है और एक बार नेपाल में होता है। तो इस बार नेपाल का नंबर था इसमें, डिफेंस एक्सरसाइज 14th सूर्य किरण है। सूर्य किरण हम लोग किसके साथ करते हैं, नेपाल के साथ। उसके बाद नेवल वीपन सिस्टम नव आर्म्स 819 जो है, इसको जो है प्रदर्शित किया गया था। ये प्रदर्शनी बेसिकली लगाई गई थी, अगर आप पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो प्रदर्शनी लगती है, तो हमारे बड़े बड़े नेता ऑफिसर्स और लोग जाते हैं वहाँ पर, बंदूक उठा के देखते हैं कैसी दिख रही है, तो ऐसी ये प्रदर्शनी लगी थी कुल मिला करके, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद पूर्व वायुसेना प्रमुख धनोआ के सम्मान में जो राफेल विमान यहाँ पर आए, उनमें BS लिखा गया है। ये छोटी डिटेल है ज़रूर, लेकिन पूछ सकते हैं कि राफेल विमान में हमारे किस पूर्व जो है वायुसेना प्रमुख का नाम गोदा गया है, या फिर उसमें कह सकते हैं लिखा गया है, तो BS लिखा गया है उस विमान पर, हमारे राफेल पर, जो समर्पित है BS धनोआ पर, क्योंकि इस प्रोक्योरमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका है उनकी। आयरन यूनियन 12 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन कौन करता है, ये UAE और US की आर्मी करती है। तो कभी कभी क्या है कि हमारी एक्सरसाइज ना पूछ करके विदेशी की एक्सरसाइज पूछ लेते हैं, मतलब दो अलग अलग देश जो कर रहे हैं, तो UAE और यूनाइटेड और ये US आर्मी ने एक्सरसाइज किया था आयरन यूनियन। इंद्र नाम से अभ्यास हम किसके साथ करते हैं, आप सभी को पता होगा, रशिया के साथ, ठीक है। तो जब उसके साथ हम लोग एयर की एक्सरसाइज करने लगते हैं तो उसी को एविया इंद्र बोल देते हैं। तो ये इंद्र एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी, मतलब ये जो है ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हुई थी, बबीना में जो है आर्मी वाली हुई, फिर झांसी में हुई, और फिर पुणे में हुई, फिर गोवा में फाइनली जो है नेवल एक्सरसाइज हुई, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 3 जगह इंद्र ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज हुई थी, बबीना, झांसी, पुणे और फिर गोवा। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है मेघालय उमरोई में, हैंड इन हैंड हम लोग किसके साथ करते हैं, चाइना के साथ करते हैं, ठीक है। उसके बाद सक्सेसफुली हमने टेस्ट फायर किया था न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का, ओडिशा के चांदीपुर से हमने किया था पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण। मित्र शक्ति नाम से सैन्य अभ्यास हम लोग किसके साथ करते हैं, श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के साथ जब हम लोग नेवल एक्सरसाइज करते हैं तो उसको बोल देते हैं स्लाइनेक्स, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। अब जनवरी मंथ में सबसे पहले संप्रति एक्सरसाइज है, संप्रति का 9th एडिशन हुआ था। संप्रति एक्सरसाइज हम लोग करते हैं बांग्लादेश के साथ। हाई स्पीड इंटरसेप्टर बोट C448, ये ICGS, मतलब ये इंडियन कोस्ट गार्ड को मिल गई थी, ये कर्नाटक के मंगलुरु में इसको छोड़ा गया था, ठीक है, मतलब शामिल किया गया था इसको। उसके बाद ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन वनीला के बारे में BEO में क्वेश्चन आया था कि हमने किस देश के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया था, तो उसका नाम है मडागास्कर। तो आपने देखा डिफेंस से आते हैं क्वेश्चन, बस पता नहीं चलता है। तो साइक्लोन जो आया था डायना, उसने तबाही मचाई थी, तो उसके लिए हमने अपना INS ऐरावत भेजा था
मदद करने के लिए। उसी तरह ऑपरेशन संजीवनी आगे है, जो हमने मालदीव के लिए किया था, दवाई लेकर के गए थे कोविड के लिए, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। संजीवनी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आरओ पेपर के लिए, और 2020 का जो प्रीलिम्स होना है उसमें भी आ सकता है, दोनों में से किसी में तो ज़रूर आएगा। सरफेस टू एयर लॉन्ग रेंज S-400 एयर डिफेंस मिसाइल, जिसके बारे में हम 2018 सुन रहे हैं, ये प्रणाली जो हम किससे बाय कर रहे हैं, रशिया के साथ, उन्होंने बनाना शुरू कर दिया भारत के लिए इसको, S-400 सरफेस टू एयर लॉन्ग रेंज डिफेंस मिसाइल सिस्टम। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने डेडिकेट किया था 51वीं K9 वज्र टी गन्स नेशन को समर्पित किया था, ठीक है। ये जो है हमारे यहाँ पर बनी है, LNT के आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स ने बनाया है इसको। उसके बाद कैप्टन तानिया शेरगिल जो है फर्स्ट वुमेन बनी थी रिपब्लिक डे कॉन्टिजेंट को लीड करने वाली, मतलब रिपब्लिक डे की पहली महिला परेड एडजुडेंट बनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि IOC ने लॉन्च किया था स्पेशल क्लास डीजल इंडियन नेवी के लिए, इंडियन नेवी को उन्होंने हाई फ्लैश स्पीड डीजल उनके लिए लॉन्च किया है, यानी कि IOC इंडियन नेवी को सप्लाई करेगा इस तरह का डीजल जो कुछ विशेष तरह का है, उनके काम आएगा। इस डीजल का कोड याद रख सकते हैं, डीजल HFHSDIN512। उसके बाद INS विक्रमादित्य जो है सी गार्जियंस में शामिल हुआ था, मतलब सी गार्जियंस एक्सरसाइज जो है पाकिस्तान चाइना करते हैं, तो उस बीच इंडिया ने अपना जहाज वहाँ पर तैनात कर दिया था। ये थोड़ा सामरिक दृष्टि का है, एग्जाम में शायद ना आए। उसके बाद इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत जो है कमीशन किया जाएगा 2021 में, ठीक है। उसके बाद नेवल एक्सरसाइज मिलन जो है ऑर्गेनाइज हुई थी, कहाँ पर हुई थी, विशाखापट्टनम में हुई थी। ये बायलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हुई थी। इसकी थीम थी सिनर्जी अक्रॉस द सी, इसमें इंडियन ओशन के, मतलब इंडियन ओशन में बहुत सारे कंट्रीज हैं उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। उसके बाद इंडिया और ओमान ने बायलेटरल लेवल एक्सरसाइज की है नसीमल बहर, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेलिंग नहीं है, बस याद रखिएगा हम ओमान के साथ करते हैं नसीमल बहर। CISF जो है 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मना रहा है, ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। CISF 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, ये हमने जनवरी में बता दिया था आपको। और फरवरी के करंट अफेयर पे आ चुके हैं हम लोग, ICGS वरद के बारे में। सबसे पहले ICGS वरद जो है चेन्नई में शामिल हो गया था हमारी फ्लीट में। उसके बाद हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो है ये शामिल हो गए थे सेना में। ये सब छोटे छोटे ड्यूज हैं। 6th जो है कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वीजल वज्र जो है ये शामिल हुआ था चेन्नई में, ठीक है, ऑफशोर पेट्रोल वीजल वज्र। उसके बाद इंडिया और इंद्र, मतलब ये इंद्रधनुष एक्सरसाइज जो है ये हम किसके साथ करते हैं, ये हमने ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्सेस के साथ किया, यानी एयर एक्सरसाइज है ब्रिटेन के साथ हमने किया है, इसका नाम है इंद्रधनुष, ठीक है। इंद्र से कंफ्यूज नहीं करिएगा, इंद्र जो हम लोग करते हैं वो रशिया के साथ करते हैं, इंद्र एक्सरसाइज है रशिया के साथ, इंद्रधनुष है ब्रिटेन के साथ। और जब हम लोग ब्रिटेन के साथ आर्मी की एक्सरसाइज करते हैं तो उसका नाम होता है अजय योद्धा या फिर अजय वॉरियर, और इस बार का अजय वॉरियर हुआ था UK में, वहीं पर पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट, ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये चीज़, AK-47 बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन नॉट पेनिट्रेट इट, यानी कि AK-47 की गोलियां भी 10 मीटर से चली हुई ये रोकने में सक्षम है। इस हेलमेट का जो नाम है उसका नाम है अभेद्य, जैसे कि मतलब इसकी काबिलियत को सूट करता है अभेद्य, ठीक है, अभेद्य है, यहाँ पर शायद अभय लिखा हुआ है, इसको इग्नोर करिएगा, अभेद्य नाम है इसका। और इसको जो है मेजर अनूप मिश्रा द्वारा विकसित किया गया है, बैलिस्टिक हेलमेट भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने डेवलप किया है, ये याद रखिएगा। ये न्यूज़ आई थी कि हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट हमने बढ़ा लिया है, हम 5 वर्षों में $5 अरब का रक्षा निर्यात करना चाहते हैं। डिफेंस की हमारी पॉलिसी कैसी चल रही है कि हमको मिनिमम इम्पोर्ट करना है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट करना है, यानी इम्पोर्ट किसी भी तरीके से जो है प्रमोट नहीं किया जाएगा, एक्सपोर्ट प्रमोट किया जाएगा, ये वाली चीज़ें। उसके बाद मिनिस्ट्रियल लेवल जो डिफेंस टॉक्स चल रही थी, ये साउथ कोरिया और मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। उसके बाद माल्टा एक्सपीडिशन, माल्टा अभियान चला था पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक है, ये हमारे सुरक्षा बलों ने चलाया था, भारतीय नौसेना ने। उसके बाद डिफेंस एक्सपो लगा था उत्तर प्रदेश में, आपको पता है इंडिया द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब इस थीम के साथ चला था। उसके बाद मार्च करंट अफेयर में ऑपरेशन नमस्ते ये चलाया था मनोज मुकुंद नरावड़े ने, जब कोरोना वायरस बिल्कुल एंट्री लिया था भारत में उस समय चलाया गया था ऑपरेशन नमस्ते। उसके बाद UAE और US ने जो है नेटिव फरी नाम से एक्सरसाइज की थी अबू धाबी में।
लाइट मशीन गन्स खरीदने के लिए समझौता हुआ था इसराइल के साथ, इसराइल वीपन इंडस्ट्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था लाइट मशीन गन्स खरीदने के लिए। तो पूछेंगे कि हाल ही में हमारे रक्षा मंत्रालय ने किस देश के साथ समझौता किया है हल्की मशीन गन खरीदने के लिए, तो वो है इसराइल। उसके बाद इंडियन आर्मी का इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था प्रज्ञान कॉन्क्लेव, ये दिल्ली में हुआ था, और नेशनल वर्कशॉप हुई थी एक्सप्लोसिव डिटेक्शन पर पुणे में, वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी थी उसमें रेडर एक्स को दिखाया गया था जो कि एक्सप्लोसिव डिटेक्शन डिवाइस है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु ने और हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी पुणे ने मिलकर के डेवलप किया है। तो रेडर एक्स एक बार देख लीजिएगा कि ये क्या है, कैसा है, ये हमने बता दी इंपॉर्टेंट चीज़ इसके बारे में, थोड़ा न्यूज़ में आया था इसलिए। बढ़ते हैं आगे, अप्रैल मंथ में इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे। इंफ्रारेड सेंसर गन जो है ये नौसेना में मुंबई डॉकयार्ड में बनाई गई थी, और कुल मिलाकर के जैसे टेम्परेचर चेक करने के लिए जो इंफ्रारेड गन्स यूज़ होती हैं उससे ज़्यादा एफिशिएंट है और इसका एक्यूरेसी भी अच्छी है, इस वजह से इसको थोड़ा देखा गया था। उसके बाद ऑपरेशन संजीवनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, ये आ सकता है आपके पेपर में डायरेक्टली। आपसे पूछेंगे कि या तो पूछेंगे कि ऑपरेशन संजीवनी हमने किस देश के लिए किया था, तो उसका आंसर हो जाएगा मालदीव, या मालदीव देकर पूछेंगे कि हमने मालदीव को जो है COVID-19 के दौरान एसेंशियल मेडिसिन भेजी हैं जो आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति की है उनकी, तो किस अभियान के तहत की है, तो उसका नाम है ऑपरेशन संजीवनी। किसने किया है? इंडियन एयरफोर्सेस ने। उसके बाद एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज, एंटी शिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज हम लोग खरीदेंगे अमेरिका से, ठीक है। तो इसमें एंटी शिप मिसाइल्स और मार्क 54 लाइट वेट टॉर्पीडो हम लोग खरीदेंगे, इसके लिए मंजूरी हो गई थी। उसके बाद एयर इवैक्यूएशन पोड काफ़ी चर्चा में आया था जिस समय हमारी भारतीय सेना आइलैंड से लोगों को निकाल रही थी, तो आपने न्यूज़पेपर में पिक्स देखी होंगी कि एक जो है कंटेनर टाइप का आपको दिखता है, ठीक है, आपको कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट टाइप का कंटेनर दिखता है, वही है एयर इवैक्यूएशन पोड, और जिसकी कीमत 59 लाख रुपए होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसको कुल मिला करके बनाया गया 50,000 रुपये में, ठीक है, 50,000 रुपये में हमने बना लिया इसको और काफ़ी यूज़ भी किया गया, तो ये है कुल मिला करके। तो इससे लोगों को इवैक्यूएट करने में आसानी थी कि उनको वहाँ पर पॉड में रख सकते थे, ऑक्सीजन पहुँचा सकते थे और बचाने वालों को भी संक्रमित होने का खतरा नहीं था। उसके बाद ई कार्यालय ऐप चलाया गया था CISF के द्वारा कि CISF से जो है बिना ऑफिस जाए भी फाइल वाला काम और जो डेस्क जॉब है वो कंप्लीट किए जा सके बिना एक दूसरे को टच किए। उसके बाद पिच ब्लैक एक्सरसाइज COVID-19 की वजह से पोस्टपोन हो गई थी, तो ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाई COVID-19 की वजह से। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ आपसे कि UPSC की तैयारी करने वाले पुराना करंट अफेयर भी पढ़ते रहिए लगातार, ये मत सोचिए कि हम जैसे पिछले सालों में पिछले 6 महीने का ज़्यादा अच्छे से देखते थे तो अब भी वही करेंगे। कोरोना की वजह से काफ़ी सारे इवेंट्स स्थगित हुए हैं, पुराना भी पूछा जा सकता है। अब मई में ये जो है समुद्र सेतु नाम से ऑपरेशन चलाया गया था, तो हमको क्या करना था, अपने भारतीय लोगों को लेकर वापस आना था जो फंसे हुए हैं दूसरी जगह, तो ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है इंडियन नेवी ने चलाया था, तो जहाज़ में लेकर के आए थे, ठीक है, सी ब्रिज या समुद्र सेतु के माध्यम से, और हमारे लोगों को यहाँ पर ला करके सुरक्षित किया था। उसके बाद रक्षा मंत्री ने जो है ICGS सचेत और 2 इंटरसेप्टर बोट्स का जलावतरण किया था ऑनलाइन माध्यम से। पहली बार ऐसा हुआ था भारतीय तटरक्षक के इतिहास में कि किसी वीजल को जो है छोड़ा जा रहा है या फिर सरमनी हो रही है ऑनलाइन माध्यम से, तो इस वजह से मैंने इसको ले लिया है कि अगर पूछ ले कि पहली बार ऑनलाइन माध्यम से ये सरमनी हुई थी तो इसमें कौन सा वीजल छोड़ा गया था पानी में, तो उसका नाम है ICGS सचेत। उसके बाद एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ जो है ये खोली जाएगी, ये कहाँ पर खुलेगा, ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जो नेवल बेस है वहाँ पर खुलेगा, INS कलिंग में जो नेवल बेस है विशाखापट्टनम में वहाँ पर ये अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी जाएगी जो एक मिसाइल पार्क है। जून मंथ में देख लेते हैं, गार्डन रिच बिल्डर्स ने डिलीवर किया था ICGS कनकलता बरुआ को डिलीवर कर दिया था इंडियन कोस्ट गार्ड को, ये है। उसके बाद है कि इंडियन नेवी ने जो है एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को अपने में शामिल कर लिया था बेड़े में, ये है। तो मारीच क्या है, एडवांस टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है मारीच, ठीक है। इसको डेवलप किसने किया है, इसको DRDO ने बनाया है। जुलाई मंथ के करंट अफेयर पर हम आ जाते हैं। DRDO ने P-7 हैवी ड्रॉप सिस्टम IL-76 एयरक्राफ्ट का के लिए जो है बनाया है,
इसे आगरा में जो है टेस्ट किया गया था, मतलब वहाँ पर बनाया गया है सॉरी, और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको बनाया गया है। उसके बाद ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, उसके बाद इंडियन आर्मी ने भारत नाम से एक ड्रोन बनाया था, भारत ड्रोन एक्यूरेट सर्विलांस के लिए, सटीक निगरानी के लिए ड्रोन बनाया था जिसका नाम भारत रखा हुआ है, ठीक है, DRDO ने इसको बनाया है। उसके बाद ध्रुवास्त्र इंडियन ने मतलब इंडिया ने जो है ध्रुवास्त्र को टेस्ट फायर किया था। ध्रुवास्त्र क्या है, एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ATGM, इसको DRDO ने डेवलप किया है, चांदीपुर ओडिशा में इसका टेस्ट हुआ था। उसके बाद लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट लग रहा है इंडियन नेवी में, इंडियन नेवी का अब तक का लार्जेस्ट सोलर सॉरी हाँ सोलर पावर प्लांट लगेगा, ये कहाँ पर लगेगा, आज एझीमाला में, ठीक है, नेशनल सोलर मिशन के तहत 3 MW का इस सौर संयंत्र लगेगा एझीमाला में, ठीक है, इंडियन नेवल अकेडमी एझीमाला कोच्चि में केरल में, ये सब लोकेशन ही इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगस्त मंथ के देख लेते हैं, राफेल मल्टी रोल जो कॉम्बैट जेट्स हैं इनका एक जत्था जो है आ चुका था, ये काफ़ी न्यूज़ में रही थी चीज़, पेपरबाजी हुई, अम्बाला एयरफोर्स बेस पर ये उतरे थे, 5 जहाज आए हैं फिलहाल और अभी बाकी आएंगे। उसके बाद इंडिया जो है कवकाज में पार्टिसिपेट करने वाला था, कवकाज जो एक्सरसाइज है 2020 की, जिसको कॉकस या कॉक्सस भी बोल सकते हैं, 18 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करने वाली है और SCO के जो मेंबर्स हैं वो इसमें करेंगे। अभी कुछ न्यूज़ आ रही है कि शायद जो हमारी टेंशन चल रही हैं चाइना के साथ, तो हम शायद इसमें पार्टिसिपेट ना करें, तो देखते हैं क्या होता है इसमें, लेकिन इसका वेन्यू इंपॉर्टेंट है, ये कौन ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है, रशिया, और रशिया के अस्त्रकन में होगी ये अगर जब कभी भी होगी। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोर्ट जो है 101 डिफेंस आइटम का बैन कर दिया था, क्यों किया था, क्योंकि ऑब्वियसली हमको आत्मनिर्भर बनना है और हमको सेल्फ रिलायंट बनाना है खुद को, उसके लिए हम खुद ही बनाएंगे जो चीज़ हमको ज़रूरत है, एक्सपोर्ट मिनिमम करना है। उसके बाद ICGA का 4th ऑफशोर पेट्रोल वीजल सार्थक जो है शामिल हो गया था, ठीक है, गोवा में, मतलब गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है, GSL ने। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड का ये इंटरसेप्टर बोट जो है ICGS C454 ये शामिल हो गया था, C454। उसके बाद इंडियन एयरफोर्सेस ने MyIAF ऐप लॉन्च किया था, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं जो आना चाहते हैं वायुसेना में, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके बारे में जानकारी देने के लिए, कैरियर संबंधी जानकारी देने के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है। उसके बाद इंडियन पवेलियन ये लगा था, आर्मी 2020 फोरम जो रशिया के मॉस्को में हुआ था उसमें हमारा पवेलियन भी वहाँ पर लगा था, ठीक है, और जो सचिव है रक्षा उत्पादन के राजकुमार और भारतीय राजदूत जो हैं DB वेंकटेश शर्मा रशिया के लिए, वो इसमें शामिल हुए थे। उसके बाद रक्षा मंत्री ने DGNCC ट्रेनिंग ऐप को लॉन्च किया, DGNCC ट्रेनिंग उनके लिए है जो NCC की ट्रेनिंग इस समय ले रहे हैं, NCC की ट्रेनिंग कुछ लोग बहुत कॉलेज वगैरह से ज्वाइन करते हैं, तो चूंकि आपको पता है COVID-19 की वजह से प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो घर से ही कुछ कुछ चीज़ें जो है NCC के कैडेट्स कर सके उस समय, उसके लिए किया गया था। 14वां इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हुआ था, ठीक है, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, ये हम समिट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगा इसमें, मुझे लग रहा है कि संजीवनी वाला जो है क्वेश्चन जरूर आपके में पूछा जा सकता है।